लगी होती है, जब वो घड़े के पास जाता है देखता है कि उसमें पानी काफ़ी कम है, फिर वो सोचता है कि पानी तो मुझे पीना है लेकिन मैं कैसे पीऊँ। तो उसके पास कुछ कंकड़ पड़े होते हैं, उसमें उसके दिमाग में आता है कि मैं इस कंकड़ को घड़े में डालूँ तो ये पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, इससे मैं पानी तक पहुँच जाऊँगा और मैं आसानी से पानी पी पाऊँगा। तो इसी तरह से बच्चों को और कुछ कर सकते हैं कि बच्चे, जैसे आप लोग भी अगर देखते हो आसपास की हमारी चीज़ें क्या है, तो उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उसको और भी कुछ मदद कर सकते हैं कि जैसे आप तो से हमने पूछा भी तो ये कलर कौन सा है, छोटे छोटे बच्चे हैं या घड़ा किसी बनता है, आपने घड़ा देखा होगा घड़े तो घड़े कौन बनाता है, या फिर जैसे हमने देखा होगा कि पक्षी में आवाज़ कैसे कैसे बच्चों में पक्षी निकालते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं जो बच्चों से पता हम कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से इसी कहानी को हमने एक छोटा सा कविता का रूप दिया है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। कौआ प्यासा था, एक कौआ प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था, दूर से एक घड़ा दिखा पास उसके जा पहुंचा, दूर से एक घड़ा दिखा पास उसके जा पहुंचा। कौआ बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौए ने डाले कंकड़ पानी आया ऊपर, कौए ने डाले कंकड़ पानी आया ऊपर, कौआ पी गया पानी खत्म हुई कहानी, कौआ पी गया पानी खत्म हुई कहानी। इसके प्रकार से बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों से क्या शिक्षा मिली, तो बच्चे कहेंगे कि उनको नहीं पता क्या शिक्षा मिली, तो हम लोग बता सकते हैं जैसे कौए ने क्या कि बार बार प्रयास किया, एक कंकड़ डाले से तो पानी ऊपर आया नहीं होगा, उसने बार बार कंकड़ उठा के डाले। इसी प्रकार से जो गलती होती है आप लोग नहीं कर पाते हो, तो बार बार करोगे तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि आप लोग को आए ना, लास्ट में वो चीज़ आपको आ ही जाएगी। तो और भी बोल सकते हैं जैसे जहाँ जहाँ कभी घबरा लीजिए, कोई भी समस्या होता है तो उसका एक समाधान होता है, तो हमें अपना सोच विचार करिए, हमारे सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो हमें अपने ठंडे दिमाग से सोचकर उसको वो अच्छे से करना चाहिए, तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो वे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी जान बचाई और अपनी